तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विदिशा विधायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल की महिला सदस्य और प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा जिला महिला मोर्चा के आह्वान पर शहर के गांधी चौक नीमताल पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले भर की महिला पदाधिकारियों के साथ साथ भाजपा जिले के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान गंज बासोदा विधायक लीना जैन, शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह, कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जादौन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहलका इंडिया के लिए रवि चौरसिया की रिपोर्ट। विधायक क्या होता ये शब्द का चैन को मालूम ही नहीं। 42 साल या 44 साल में पहली बार विदिशा में धोखे से भेस पड़ा भैया आज का जो आंदोलन रहा, आपने भी अपना वक्तव्य दिया, आप भी विधायक हैं, एक साथी विधायक द्वारा ये टिप्पणी की गई, क्या कहेंगे महिलाओं ने? मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से माननीय विधायक ने टिप्पणी की है महिलाओं के प्रति, ये बहुत ही गलत, अशोभनीय है। शालीनता की पूरी हदें पार कर दी हैं उन्होंने। इस तरीके की टिप्पणी देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है महिलाओं के लिए। आज का धरना हमने जो कल यहाँ के स्थानीय विधायक शशांक भार्गव जी के द्वारा हमारी वरिष्ठ नेत्री के विषय में अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसी विषय में आज हमने धरना प्रदर्शन उसके खिलाफ किया है कि नारी के सम्मान में कतई भी हम कोई भी इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ या कोई भी अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इस तरह का कोई भी बर्ताव सामने से आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अजय जी, FIR हो चुकी है जी, फिर ये धरना प्रदर्शन किस मांग को लेकर? गिरफ्तारी के लिए है, और जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत ही कमजोर किस्म की धाराएं हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें गैर जमानती धाराएं लगाई जाएं। गिरफ्तारी नहीं होती, आगे अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम फिर से प्रदर्शन करेंगे, और इसके बाद में हम सड़क पर उतर आएंगे। इसके बाद हम प्रशासन से बाद में मांगेंगे, पहले हम उनके आमने सामने से सारी लड़ाई खुद लड़ेंगे।